आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर कौमी इदारों को या अपनी जस्पीरियर एजेंसियां इनके हवाले से ना तो ऐसी जुबान इस्तेमाल की है। माजी में ये जनरल बाजवा साहब की कितनी तारीफ है उन्होंने की, और इस पर कोई शक ही नहीं है, दो राय नहीं है कि इतनी फौज ने मामले की इतना इन पर हाथ रखा है, इस पर किसी पार्टी पर रखे नहीं। की मीटिंग में निक नेम से पकार था। उस वक्त के जो सिपा सलार थे उनको कहते थे मिस्टर एक्स, अगर वो मिस्टर एक्स है तो उनको एक्सटेंशन किसने दी थी? सीनियर अफसर पीरियड एजेंसी के अंदर उनका एक गेम खेली जाती है, उस नाम से पकारना शुरू। हम अपने इदारों को और खसूसी तौर पर फौज को ऐसे देखते रहे कि जैसे ये हिंदुस्तानी फौज से भी तो अगला लेवल। ये जो लीडरों का काम होता है लोगों को भरगलाना, पाकिस्तान दुश्मनों का इससे बड़ा एजेंडा नहीं हो सकता। मुल्क की जड़ों के ऊपर ऐसी वार है कि लोगों को बदजन कर दो अपने इस इदारे से। हमने नलायकी और बद इंतजामी और बैड गवर्नेंस की इंतजा कर दी, जब हम उसमें से निकलते हैं हम मजलूम बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मालूमी है कि हम ये नहीं पूछते कि भाई साहब आप जरा जो अच्छे काम है वो साफ तो बताइए, कड़े ऐसे ही रेन जिन्होंने आके पहले तीर मारे थे, कह रही इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, इलेक्शन तक करा लीजिए लेकिन इस आदमी का क्या होगा डालते हैं। उनका अपने एक रोल है, एक डेकोरम, एक प्रोटोकॉल है, इज्जत है, वो उनके डिसीजन से होती। दुनिया सारी में जज का टिकट नहीं चलता, हमारा जज टिकट चलाने के लिए बैठा है।